नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सत्ता का दुरुपयोग कर दूसरी सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही बीजेपी, पवार का कहना। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत ने 5 विकेट से जीता पहला मुकाबला, पंत ने मारा विजयी चौका। समीर वानखेड़े की लीगल टीम का आरोप, कोर्ट में गलत दस्तावेज दिखा रहे नवाब मलिक। कोरोना की शाम तक की रिपोर्ट, देश में 65,000 लोगों को लगाई गई डोज। गुजरात में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का महबूबा मुफ्ती के भाई को समन, 11 बजे हुई पूछताछ। 19 नवंबर को झांसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर शुरू, 2 से 3 आतंकी इसमें फंसे। यूपी के चित्रकूट पहुंचे प्रियंका गांधी, शिव मंदिर में की पूजा, 7 महिलाओं से साधा संवाद। और दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, सरकारी विभाग में 100% होगा वर्क फ्रॉम होम।